जय हिंद। देखिए आज यानी अगले माह में यानी 8 तारीख को यानी बीपीएससी पीटी का एग्जाम है, 67th बीपीएससी का एग्जाम है। तो आप जो भी स्टूडेंट या कैंडिडेट इसका प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमें वीडियो स्पेशल बनाया है। तो आपका यह समय अब आपके समय लगभग आपके लिए समय 20 दिन का समय है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि जो भी आप पढ़े हैं यानी कि जो भी आप पढ़े अब तक आप पढ़े हैं तो उसी चीज का रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस एंड रिवीजन कीजिए। या आप ये कोशिश कीजिए कि कोई एक्स्ट्रा नॉलेज यानी कोई एक्स्ट्रा नॉलेज आप लेने का प्रयास ना कीजिए। जैसे नया कोई चीज है जो आप जो नया चीज को आप नहीं पढ़े ताकि आपके लिए क्रिएशन को यानी माइंड को डिस्टर्ब करेगा। जो चीजों को आप बिल्कुल यानी अब से पढ़ लिए हैं उसको आप केवल प्रैक्टिस एंड रिविजन कीजिए, सेट खूब बनाइए। सेट ही और प्रैक्टिस एंड रिविजन ही आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगा, तो है ना। तो चलिए इसी पर हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी को इसको फॉलो करके हम लोग ताकि जो अभी काम आपके साथ 20 दिन का आपका समय सिर्फ बचा है तो हम 20 दिन में क्या करें इनकी या क्या करें कि हमारा एक यानी बीपीएससी पीटी में हमारा सफलता मिले। तो देखिए इसके पहले आपको अभी तक आप मान लीजिए कि जो भी आप कुछ पढ़े हैं वो बहुत चीज पढ़ लिए, आप ना भी पढ़े तो फिर भी आप मान के चलिए कि जो बहुत यानी हमारा यानी पीटी में हम क्वालिफाई कर लेंगे। तो जो चीज आप अभी तक पढ़े हैं उसको आप प्रैक्टिस एंड रिवीजन खूब कीजिए, यानी कि आप एक साथ ही आप कोशिश कीजिए कि माहौल एक पॉजिटिव माहौल तैयार कीजिए। जो आपको लगे कि एक नेगेटिव बातें कर रहा है तो ये चीज नेगेटिव बातों को नहीं कर रखना है। तो हम लोग अब देखते हैं बीपीएससी पीटी तो ये आप क्वेश्चन बनेंगे आप घटना चक्र का लिए होंगे तो इसी का हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से अधिक इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यानी कि बीपीएससी पीटी का यानी कि 38वां से लेकर 66 बीपीएससी तक इसका क्वेश्चन बैंक आपको दिया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष कहाँ से मिला है, यानी आंसर में आपका है अंजीरा से, दंत सदात से, किली युग गुल मोहम्मद से, और डी ऑप्शन है मेहरगढ़ से, और साथ ही ई है उपयोग में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ऑप्शन में आप कमेंट में बताइए जवाब। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं भारत के पशुपालन एवं कृषि, क्योंकि ऑप्शन में आपका है मेहरगढ़। तो देखिए पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष एक हो गया बागोर और एक हो गया आदमगढ़, यानी कि दो जगह से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष मिला है। ये हो गया आपका राजस्थान में और ये हो गया आपका एमपी में, और साथ ही कृषि का प्राचीनतम साक्ष मेहरगढ़ से मिला है यानी पाकिस्तान, ये आपका मेहरगढ़ पाकिस्तान में। यानी क्वेश्चन कहता है कि आपका भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष यानी पशुपालन का आप रहेगा खाली तो बागोर मारिएगा, बागोर राजस्थान में है और आदमगढ़ एमपी में हुआ, लेकिन आपको ऑप्शन दिया मेहरगढ़ तो इसका यानी इस चारों ऑप्शन में मेहरगढ़ ही इसका सही करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी इसका ऑप्शन डी होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसको चैकोलिथिक कैल्कोलिथिक युग कहते हैं, ये कहा जाता है। पहला ऑप्शन है, पहला च्वाइस है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल, और चौथा है ताम्र पाषाण काल। ऑप्शन में यानी कि ये चूंकि 2020 पूरे यानी कि 44वां बीपीएससी प्री में आपका क्वेश्चन पूछा यानी कि 2000 ईस्वी में, तो इसका जवाब बताइए आप कमेंट में। तो इसका जवाब होगा ताम्र पाषाण युग। देखिए ताम्र पाषाण युग किस काल को ही कैल्कोलिथिक युग कहते हैं, क्यों, इस काल में लोग यानी मानव ने औजार के रूप यानी सर्वप्रथम औजार के रूप में तांबा का प्रयोग किया, और साथ ही इस चैकोलिथिक युग में यानी जो उपकरण बनाते थे जैसे लोटा हो गया, बर्तन हो गया, इस तरह ये सब चीजों को उपकरण इस पत्थर का उपयोग करते थे, यानी उपकरण बनाने में पत्थर का उपयोग चैकोलिथिक युग में, और उपकरण औजार बनाने में तांबा का उपयोग किया गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न आपका तीसरा कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था, ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है नीला हरा, तीसरा है पांडू और
डी है ऑप्शन नीला, और कमेंट में बताइएगा आप जवाब, चूंकि जब आप कमेंट में बताइएगा तो वही आपको लगेगा कि नहीं हम कुछ पढ़े हैं इसका जवाब मिल रहा है, तो इसका होगा केवल आपको हो जाएगा लाल ऑप्शन होगा, चूंकि लोग इसको पकाते थे यानी आग में बर्तन को, यानी बर्तन को पकाते थे, और साथ ही जो निचला स्तर होता है उसको जिसपे पेंदी कहते हैं उसको काले रंग से रंगते थे, तो ये आपका हो गया जिससे को यानी कि देखिए एक चीज आओ याद रखिएगा आप, डिजाइन की हुआ बर्तन यानी कि हड़प्पा काल में डिजाइन की हुआ बर्तन भी मिला और बिना डिजाइन की हुआ, डिजाइन की हुआ बर्तन को हम लोग चित्रित मृत भांड कहते हैं, यानी चित्रित उस पर चित्र बनाया गया है मृत भांड, यानी उसको चित्रित मृत भांड कहते हैं। चौथा ऑप्शन है सिंधु सभ्यता में, चौथा क्वेश्चन आपका कहता है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है, तो आपका एक ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, तीसरा ऑप्शन उत्तर ऐतिहासिक काल, डी ऑप्शन है आध्य ऐतिहासिक काल, तो ये आपका आध्य ऐतिहासिक काल होगा। आध्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो सका परंतु उसे हम लोग पढ़ नहीं सके, यानी हड़प्पा काल के लोग इस तरह से लिख कर चले गए कि हम लोग उसको अभी तक यानी कि अभी प्रेजेंटली इसको पढ़ा नहीं जा सका, तो इसको आध्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगर साथ ही कांस्य युगीन भी आपको रहेगा तो कांस्य युगीन भी ऑप्शन में मारना है, तो ये हो गया पांचवा ऑप्शन। क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो ऑप्शन ए में पक्की ईंट से बनी इमारतें, दूसरा ऑप्शन है प्रथम असली मेहराब, तीसरा है पूजा स्थल, चौथा है कला और वस्तुकला, और ये ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक सही, तो इसका कमेंट में जवाब बताइएगा। तो इसका चलिए हम लोग बताते हैं जवाब, इसका विश्लेषण यानी प्रक्रिया देते हैं। कहता है इसका जो महत्वपूर्ण विशेषता है जो पक्की ईंट से बना इमारतें, जैसे आपको इमारतें हो गई जैसे स्नानागार हो गया, मोहनजोदड़ो से मिला है, हड़प्पा से मिला है, अनानागार मिला, ये सब हो गया पक्की ईंट से बनी इमारतें। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कहता अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह था, ऑप्शन में है आपका सिकंदरिया, दूसरा ऑप्शन लोथल, तीसरा है महास्नानगढ़ और डी है नागपट्टनम, यानी ऑप्शन आपका होगा लोथल, चूंकि लोथल एक बंदरगाह था, यानी लोथल आप याद रखिएगा, अगर लोथल आया तो आपको माइंड में यानी घूमना चाहिए, लोथल भगवा नदी किनारे स्थित है तथा गुजरात यानी भारत के गुजरात में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही लोथल में क्या क्या मिला, लोथल में याद रखिएगा, लोथल से आपका लोथल एक पतन है, डोकयार्ड है, गोदीबाड़ा है, यह है बंदरगाह इसी को कह सकते हैं, लोथल से युगल सावधान मिला है, उसके बाद हाथी दांत के स्केल मिले हैं, अग्निकुंड के प्रमाण मिले, चावल के अवशेष मिले हैं और क्या घोड़ा का भी अवशेष मिला, यानी कि जैसे ही आपका ऑप्शन आया दिमाग में आपको घूमना चाहिए कि लोथल से क्या क्या हम लोग को उपकरण यानी मिला है। तो अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, इन टेराकोटा का हल किस स्थल से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन में धौलावीरा, दूसरा है बनावली, तीसरा है कालीबंगा और चौथा लोथल, ये आपका 2016 में प्रश्न पूछा है बीपीएससी प्रीलिम्स में, और तो आपका ऑप्शन होगा चूंकि देखो याद रखिए कालीबंगा में हल के आकार का खिलौना और सरसों का ढेर मिला, यानी कालीबंगा में हल के आकार का खिलौना यानी हल के आकार का खिलौना आपको कहां से मिला है, सॉरी बनावली से मिला, सॉरी गलती ऑप्शन में बुला दिया, यानी कि बनावली से हल से हल के आकार का खिलौना और सरसों का ढेर मिला, यानी हल के आकार का बना मिट्टी के बनाए हुए खिलौने को टेराकोटा कहते हैं, सॉरी ऑप्शन बोल दिए थे, कालीबंगा याद रखे, कालीबंगा ऑप्शन बताया कालीबंगा से यानी कि अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, यानी कालीबंगा मैंने याद रखे, कालीबंगा घघर नदी किनारे, यह राजस्थान के इलाके में स्थित है और यह रेगिस्तान मरुस्थल के आसपास है, तो एक हो गया, तो इस तरह से याद रखिये कि याद रखिए कालीबंगा क्षेत्र था, कालीबंगा में अग्निकुंड के प्रमाण मिले, जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला और साथ ही आपको क्या ऊंट का भी प्रमाण मिला है, तो ये हो गया आपका अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत का प्रमाण, देखिए आपका किसी ने पूछा हुआ तो आपका भी बता दिए कालीबंगा होगा, फिर कहता निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से समर्थित नहीं थे, आर डी बनर्जी थे, ऑप्शन के एन दीक्षित, एम एन एस बत्स और डी हो गया बी एन स्मिथ, यानी ऑप्शन ये होगा दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया, राखादास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को हो गया, के एन स्मिथ ने आपका ये भी हड़प्पा कालीन के खुदाई भी ये भी करवाए हैं यानी इस बाद में करवाए हैं, और साथ ही यानी ऑप्शन डी में होगा बी एन स्मिथ जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित नहीं है। उसके बाद अगले प्रश्न की देखते हैं। बागोज कोई अभिलेख का महत्व इसलिए है, ऑप्शन में वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें
वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। दूसरा ऑप्शन है मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। और सी ऑप्शन में वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं से हुई थी। ऑप्शन डी में कोई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, यानी बागोज कोई तो अभिलेख में, यानी कि रिंग बागोज कोई में अभिलेख में रिंग वैदिक काल के जो देवता है इंद्र है ना अग्नि है इनका, यानी कि रिंग वैदिक काल के देवता के समान इनका वर्णन है। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दस राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया। ऑप्शन ए में गंगा नदी, बी में ब्रह्मपुत्र, सी में कावेरी और डी में परुषणी नदी। तो ये आपका होगा परुषणी नदी। परुषणी नदी को अगर ऑप्शन में रहेगा रावी, तो रावी मान लीजिएगा परुषणी नदी को। इसको यानी कि किसके किसके बीच में हुआ, यानी कि भरत कबीला के राजा सुदास के द्वारा, यानी भरत कबीला के राजा कौन थे, सुदास। सुदास ने अपने पुरोहित पद से विश्वामित्र को हटा दिया, यानी विश्वामित्र को जब हटाया तो विश्वामित्र को ये अपमानित लगा। तो उन्होंने आसपास के यानी कि जो भी उनके क्षेत्र संबंधित राजा थे उनको दस राजाओं को बुलाकर यानी परुषणी नदी के किनारे युद्ध लड़ा, जिसमें दस राजाओं का युद्ध का इसका वर्णन मिलता है। यानी कि दस राजाओं का युद्ध लड़ा गया, यानी कि किसके किसके बीच, यानी कि विश्वामित्र के दस राजाओं और साथ ही भरत कबीला के राजा कौन थे, सुदास के बीच, जिसमें सुदास का विजय हुई। तो ये आपका दस का, आप इसके इससे संबंधित जो एक प्रश्न आएगा कि दस राजाओं का युद्ध ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो याद रखिए युद्ध, युद्ध मतलब सताता है, तो सतमा मंडल में होगा, यानी कि युद्ध सताता है तो सतमा मंडल में। तो अगले प्रश्न कहता है ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, यानी ऑप्शन में आपका नौवां मंडल हो गया सोम को समर्पित है, या आपको डायरेक्ट ऑप्शन है ऋग वैदिक संहिता का नौवां मंडल किसे समर्पित। देखिए यही प्रश्न आपका एक बार आप पूछा, यानी कि सोम और इससे पेय पदार्थ के नाम पर देवता का। फिर कहता है गायत्री मंत्र, गायत्री यानी याद रखिएगा गायत्री मंत्र, कहता गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ये आपका ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद यानी गायत्री याद करने के लिए, गायत्री याद करने के लिए आपको देखिए गायत्री किस मंडल में प्रश्न पूछेगा। थ्री मतलब आपको याद रखना है तीन, यानी कि तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका गायत्री मंत्र का उल्लेख है ना, इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जिसके रचयिता कौन है, विश्वामित्र। तो ये हो गया। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से, अगले प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि आपको वैशेषिक दर्शन जिसके प्रवर्तक कौन थे, महर्षि कनाद थे, है ना, ये आपको याद रखना है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आपको पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है, पाटलिपुत्र को संस्थापक कौन है, यानी रिंग सॉरी ये कौन है, तो यानी कि उदयन उदी या उदयन कह सकते हैं, उदीन का भी कह सकते हैं ना, इनका नाम है, जो अपनी राजधानी मगध की राजधानी यानी राजगिरी से कहां है स्थानांतरित किया, यानी कि सोन और गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर का स्थापना कर इन्होंने अपनी राजधानी को यहां पर स्थानांतरित किया। तो ये आपका हो गया। फिर कहता है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो उदयदीन आपको बताए दिया। फिर कहता है किस राजा ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया, यानी एक ही प्रश्न को आपको चार बार पूछा, यानी कि उदयदीन हो गया। फिर कहता है कि विश्व का प्रथम लोकतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया, यानी कि लिच्छवी गणराज्य में हो जाएगा, यानी कि सर्वप्रथम लिच्छवी गणराज्य में लोकतंत्र का उदय हुआ। फिर मगध जहाँ यानी कि अलग तरह के अलग अलग गणराज्य के लोगों का वहाँ शासन चलता था, यानी कि लोगों को जनता यानी कि लोकतंत्र में वहाँ सर्वप्रथम का उदय हुआ किस लिए, यानी अलग अलग यानी कि क्षेत्र का, यानी गणराज्य जैसे लिच्छवी गणराज्य हो गया, बज्जी में आपका लिच्छवी गणराज्य हो गया, और ये आपका हो गया और इसके बाद आपका हो गया क्या। तो अगला प्रश्न कहता है अजात शत्रु का वंश क्या था, तो ये हरियक वंश है। तो डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछा है, यही आपको पूछेगा हरियक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिम्बिसार किसका पुत्र, सॉरी बिम्बिसार हरियक वंश के संस्थापक था, जो जिसका पुत्र क्या था, जो यानी कि मगध का साम्राज्य था, यानी मगध के साम्राज्य में हरियक वंश का स्थापना उसने बिम्बिसार ने किया, बिम्बिसार ने ही
यानी अंग को, यानी अंग को अपने राज में अधीन, यानी मगध में अधीन करके, यानी अंग के राजा किसके बनाया, यानी अजात शत्रु। लेकिन बाद में अजात शत्रु ने इनकी हत्या करा दी, अजात शत्रु को बिम्बिसार को हत्या कर अजात शत्रु ने खुद गद्दी पर बैठा। तो ये हो गया आपका प्रश्न। अगला आपका प्रश्न कहता है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से विकसित हुई, यानी कि स्पष्ट। देखिए अगर पहले बोलेगा प्रश्न में किस काल में अछुआछूत यानी अछूत का अवधारणा सर्वप्रथम विकसित हुई, तो ये आपको उत्तर वैदिक काल याद रखना। यानी उत्तर वैदिक काल में आपको चार वर्ण की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का, यानी कि जन्म के आधार पर, यानी कि उसका क्या जन्म के आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया। लेकिन इसके पहले ऋग्वेद में क्या था, यानी कि उसके क्या कर्म के आधार पर, यानी कि अगर आप जिसका अनुसार कर्म करें, अच्छे कर्म करेंगे, यानी कि पढ़ाई लिखाई की लोगों को प्रेरणा देंगे, तो आप ब्राह्मण समाज में उसका आपको ब्राह्मण समाज में उसका पद मिल सकता है। यदि आपका भुजा हो जाए, देह से बॉडी उड़ के बिल्डर है, तो क्षत्रिय में जा सकते हैं। यदि आप खेती बाड़ी करते हैं तो वैश्य समाज में आ सकते हैं। और ये आपका हो गया, यानी कि किसी को सेवा देते हैं तो आपका हो जाएगा कि शूद्र समाज में। अगला प्रश्न है आपका कि इस ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र कहाँ व्यवस्थित थी, यानी कि आपका वैशाली हो जाएगा। कहता है 16वां महाजनपद की सूची है किसमें उल्लेख मिलता है, यानी बौद्ध धर्म के अंगोत्तर उकाय में मिलता है। फिर अगला प्रश्न कहता है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ, यानी कि छठी शताब्दी में। ये आपको याद रखना, लगभग छठी शताब्दी में। फिर कहता है मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज, डी। तो ये आपको ध्यान रखना, पाटलिपुत्र उदयदीन ने बनाया और गिरिब्रज मगध का आरंभिक राजधानी थी, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा इसका एक से अधिक सही। फिर कहता है प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कौन सी थी, तो प्राचीन महाजनपद में आपका हो जाएगा ऑप्शन में है पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, आंग। वैशाली हो जाएगा, सॉरी पाटलिपुत्र हो जाएगा। कहता फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे, यानी कि धनानंद, यानी धनानंद के समय ही जो सिकंदर था, फिलिप यानी यूनान के राजा था, यानी मकदुनिया का शासक, जो इन विश्व विजेता बनने चाहत से यानी कि भारत पर आक्रमण किया, लेकिन भारत के ब्यास नदी के किनारे उनके सैनिक ने उसको जानकारी हो गया कि यानी कि धनानंद बहुत ही बड़ा, यानी कि बहुत विशाल राजा है, जो उसको हराना नामुमकिन है। तो वो सैनिक ने यानी ब्यास नदी किनारे से लौट गया, यानी कि ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, जहां से सिकंदर वहां से लौट गया। यानी सिकंदर किसके समकालीन थे, यानी धनानंद के समकालीन थे, यानी नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद के समकालीन थे, यानी नंद वंश को। ये हो गया, उसके बाद ये था आपका बीपीएससी फिट। यानी तो इस तरह अभी आपके पास 20 दिन का समय है, तो आपको हम लगभग 1000 से 1500 प्रश्न का इस 20 दिन में आपको सोल्व करवा देंगे, यानी इसी घटना चक्र क्वेश्चन से। आप अधिक से अधिक घटना चक्र क्वेश्चन को अधिक से अधिक सोल्व कीजिए। ये आप मान के चलिए क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा, यानी कि 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन आप फिर भी क्वेश्चन बहुत है, यानी कि रिपीट करेगा। तो ये आप अब आपको स्ट्रेटेजी बताते हैं, लगभग आपके पास 20 दिन का समय है, तो आप ये पॉजिटिव माइंड के साथ याद पढ़ाई कीजिए कि हमारा इस यानी कि BPSC 67 में प्रीलिम्स मेरा सफलता निश्चित है। यानी पॉजिटिव माइंड के साथ पढ़ाई को कीजिए, यानी 20 दिन में आप क्रिएटिव, यानी जो चीज पढ़ी है, यानी पढ़े हुए चीज को ही रिवीजन और प्रैक्टिस कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि नया चीज को आप ना के बराबर पढ़िए, यानी कि नया चीज को आप उसमें इंटरेक्ट भी ना कीजिए, यानी कि नया चीज को आप देखिए ही ना। हाँ, केवल करंट अफेयर्स को छोड़कर, यानी करंट अफेयर्स को छोड़कर बाकी जो भी चीज, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या साइंस में कोई भी स्ट्रीम हो, तो इस तरह का नया टॉपिक को बिल्कुल ना उठाइए। जो आपको जो अभी तक आप पढ़े हैं उसी को, यानी कि 20 दिन में अगर स्ट्रैटेजी बनाकर, यानी लगभग अच्छे समय, यानी कि 24 घंटा में कोशिश कीजिए कि, यानी कि 18-19 घंटा उस समय को यूटिलाइज करके पढ़ाई पर, यानी कि पॉजिटिव माइंड से यूटिलाइज करके हम इसमें दें, ताकि आपका सिलेक्शन यानी 67 बीपीएससी में हो सके। तो आपको ये स्ट्रेटेजी बताया कि 20 दिन में भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं अच्छे मार्क्स से। तो ये आपका 67 बीपीएससी 2022 के लिए बनाए थे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दुनिया में यानी अब तक क्या पढ़े वो मैटर नहीं करता, यानी एग्जाम से पहले क्या पढ़े नहीं पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर नहीं पढ़े तो जाहिर सी बात है आपको एग्जाम में
क्वालिफाई नहीं कीजिएगा, अगर आप पढ़ भी लिए हैं उसको आप रिविजन या प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो एग्जाम के समय आपको अधिक से अधिक कन्फ्यूजन होगा। तो ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक उपाय है कि रिविजन और प्रैक्टिस, रिविजन और प्रैक्टिस ही सफलता की ओर अक्सर यानी नीचे से आपको यानी कि सफलता की ओर निचलगा, नीचे सीढ़ी से ऊपर सीढ़ी तक पहुंचाएगा। तो चलिए, थैंक यू।